सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस, पुणे यूनिवर्सिटी ने इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के जो अपडेट्स है वो दे दिए एंड जो टेंटेटिव डेट्स है वो भी अब जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। साथ ही में इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि जो एक्चुअल टाइम टेबल है वो कब तक जो है वो रिलीज़ हो सकता है। इसके अलावा जो इन सेमेस्टर के पेपर्स होते हैं गाइस, क्वेश्चन पेपर्स, वो आपको कहाँ मिलेंगे एंड कहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखते रहिए। तो ये अपडेट आएगा इस वेबसाइट पर जिसमें बताया गया है कि फर्स्ट ईयर से लेकर तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की जो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो 20 मार्च से लेकर तो 30 मार्च के बीच में जो है वो कंडक्ट की जाने वाली है। एंड अभी भी अच्छा खासा टाइम है एंड अच्छे टाइम पे इन्होंने जो अपडेट है वो दे दिया है। ऐसा नहीं कि 5 दिन पहले बताया एंड फिर एग्जामिनेशन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 20 मार्च से लेकर तो 30 मार्च के बीच में एग्जामिनेशन है, अभी भी 20 दिन का टाइम है, तो ईजिली कोई भी जो है वो प्रिपेयर कर पाएगा। फर्स्ट ईयर से लेके तो थर्ड ईयर स्टूडेंट जितना हो सकता है गाइस उतना अच्छा जो है वो स्कोर करने की जो है वो कोशिश करो। टारगेट रहना चाहिए 20+ एंड अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो आपको एंड सेम में ज़्यादा मतलब पासिंग का टेंशन भी नहीं रहेगा एंड आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो भी अच्छा रहेगा। साथ ही में जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है जिनका प्लेसमेंट होगा हो गया होगा वो तो अच्छे खासे खुश होंगे एंड वो तो ध्यान दे पाएंगे अपने स्टडीज़ पर, जिनका मतलब प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा वो टेंशन में होंगे। बट मैं यही बोलूँगा प्लेसमेंट हो जाएगा, बट इन सेम एग्ज़ाम पे जो है वो ध्यान देना, बिकॉज यहाँ पे अगर आप कम स्कोर करोगे एंड एंड सेम में फिर टफ टॉपिक्स आ गए तो फिर हो सकता है कि KTVT लगने के चांसेस रहे, तो वो मत होने देना, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई करो, भले ही 20 मार्च को मतलब पेपर है तो आप 10 मार्च से भी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करते हो तब भी आराम से आप 20+ जो है वो इनसेम में स्कोर कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना होता है, 2 यूनिट ही होते हैं तो कोई भी निकाल सकता है। बस ऐसे एकदम ईजिली मत लेना कि आखिरी के 2 दिन में स्टार्ट किया, तो वैसे मत करना, ठीक है। 5 दिन 10 दिन पहले तो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना तो आप ईजिली जो है इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे एंड बेसिकली आप अपनी बुक्स भी पढ़ोगे तब भी आप ईजिली जो है वो पास हो जाओगे। जैसे मैंने पढ़ाई की थी तो मैं तो जनरली बुक्स ही रेफर करता था एंड ऑलमोस्ट मतलब सारे सब्जेक्ट भी निकल गए एंड कोई KTVT जो है वो पूरे इंजीनियरिंग में जो है वो नहीं लगा था। तो आप भी कर सकते हो एंड इजीली आप पेपर्स जो है वो निकाल सकते हो। अगर टाइम टेबल्स की मैं बात करूँ गाइस, तो जैसा मैंने पूछा था कॉलेज में तो उनका कहना ये था कि मंडे तक जो टाइम टेबल्स है वो भी हाथ में आ जाएंगे। तो मंडे एक्सपेक्टेड डेट बताई गई है, आने वाला मंडे जो है जो कि तारीख रहेगा ऑलमोस्ट 3 या 4 मार्च शायद, तो तब तक आपके जो टाइम टेबल्स है वो भी जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे एंड आपको पता चल जाएगा कि कब कौन सा पेपर रहेगा। टाइम टेबल्स भी ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, वही पेपर्स रहेंगे, कोई भी एग्जामिनेशन के बीच में जो गैप है वो नहीं रहेगा। अगर सैटरडे या फिर संडे बीच में आता है तो ही आपको जो हॉलीडे है वो मिलेगा, नहीं तो कंटिन्यूएशन में आपके जो पेपर है वो कंडक्ट किए जाएंगे। साथ ही में इन सब में टाइम मैनेजमेंट करना भी जो है वो सीख लेना, जो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले को तो पता होगा, बट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अगर अभी भी आप लैग करते हो टाइम मैनेजमेंट में तो इन सब में टाइम जो है वो अच्छे से करो तो भी जाके मतलब अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। इसके अलावा पेपर्स की मैं बात करूँ कहाँ पे मिलेंगे, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे फ्री में विदाउट कोई एड्स आप इजीली पेपर जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। ऐप डाउनलोड करके आप फ्री मटेरियल्स में जो है वो आ जाना एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे मैंने पिछले बार जो एंड सेमेस्टर के पेपर्स है वो डाले थे एंड यहाँ पे अभी मैं इन सेमेस्टर के भी पेपर्स जो है वो अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड भी कर पाओगे एंड यूज़ भी कर पाओगे, शेयर करना है तो वो भी कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मैंने कुछ स्ट्रैटर्जी वाले जो वीडियोज़ है वो भी डाले थे, तो वो मैं यहाँ पे जो वीडियो वाला सेक्शन है, जैसे ये डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है, तो इस वीडियो वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट बना के जो है वो डाल दूंगा, तो वो भी आप जो है वो देख सकते हो। साथ ही में मैंने अभी अभी जो पेपर्स कंपैरिजन है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इन सेम पेपर्स में या फिर इन सेम पेपर्स में ऐसे वीडियोस बनाए थे, तो वो भी आप देख सकते हो, वो भी मैं यहाँ पे जो वो डाल दूंगा ताकि आपकी जो प्रिपरेशन में हेल्प है वो हो जाए, ठीक है। इसके अलावा फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जो है वो प्लेसमेंट का ज़्यादा टेंशन मत लो, ट्राई करो जितना अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है उतना करो या फिर स्किल्स पे फोकस करो, हो जाएगा आपका प्लेसमेंट आने वाले कुछ समय में। थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स है वो ट्राई करो कि कोई भी KT मत लगाओ ताकि आप प्लेसमेंट के लिए जो है वो एलिजिबल रहो एंड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स फिलहाल तो एंजॉय करो एंड थर्ड ईयर में जब आप जाओगे तो थोड़ा सीरियस हो जाना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।